जब जब हुई धरती से पुकार, शिव शक्ति बनी विश्व आधार, युवा में शक्ति भर कर करने आए सब पे उपकार। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई, धरती पर आकर उसने धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। सवेरे में बदल डाला बुझाई प्यास हर मन की, अमृत दे के निराला, घोर अंधेरे को उसने सवेरे में बदल डाला बुझाई प्यास हर मन की, अमृत दे के निराला। हर पुकारती रूहों ने जीने की राह है पाई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। संगम युग में आकर उसने सबको गम से दूर किया, भस्म किया विकारों को ज्ञान से भरपूर किया, संगम युग में आकर उसने सबको गम से दूर किया, भस्म किया विकारों को ज्ञान से भरपूर किया, डूबी नाव निकाल नरक से सतयुग में पहुंचाई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। स्वर्णिम युग आया धरा पे जन जन ने किया श्रृंगार, महक उठा गुणों का गुलशन चारों ओर छाई बहार, स्वर्णिम युग आया धरा पे जन जन ने किया श्रृंगार, महक उठा गुलशन चारों और छाई बहार, परिस्थान की परियों ने शिव की झलक दिखाई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई,
धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। ओम शांति। शांति का सागर शिव बाबा आवाज की दुनिया में जब आते हैं तो हमें भी आवाज से परे आत्मिक स्थिति वाली अपनी मूल शांत स्वरूप स्थिति में कैसे टिकना है, इस दुनिया में रहते, दुनिया की आवाजों में रहते अपने अंतर को शांत कैसे बनाना है, विशेष विधि सिखाते हैं। और हमारा जो लक्ष्य है शांति धाम जाने का, सुख धाम में आने का, उसको प्राप्त करने के लिए हमें कैसे इस पुरानी और पराई दुनिया से अंदर से वैराग्य लाना है, कैसे सबके बीच रहते सबको मन बुद्धि से छोड़ना है, वो विधि भी सिखाते हैं। वो विधियां, वो तरीके, वो विशेषताएं, वो गुण जो किसी मनुष्य आत्मा में नहीं है, वो गुणों का सागर, सर्वशक्तियों का सागर शिव बाबा हमारे भीतर हैं वो शक्तियां, परंतु उन्हें इमर्ज करता है, जागृत करता है और यदि कमी हो तो भर भी देता है। तो आज की मुरली हमारे अंदर वो बेहद का वैराग्य, वो अंतर की शांति की स्थिति इमर्ज कर रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 2 तारीख 2 सितंबर 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे जैसे तुम्हें निश्चय है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, सबको निश्चय है ना, वह हमारा बाप है, ऐसे दूसरों को समझाकर निश्चय कराओ, फिर उनसे ओपिनियन लो। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों से कौन सी बात पूछते हैं जो दूसरा कोई नहीं पूछ सकता है, कौन सी है वो बात? उत्तर है, बाबा जब बच्चों से मिलते हैं तो पूछते हैं, बच्चे पहले तुम कब मिले हो? जो बच्चे समझे हुए हैं वह झट कहते हैं, क्या? हाँ बाबा, हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। जो नहीं समझते हैं वह मूंज जाते हैं। ऐसा प्रश्न पूछने का अक्ल दूसरे किसी को आएगा भी नहीं। बाप ही तुम्हें सारे कल्प का राज समझाते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बेहद का बाप समझाते हैं। यहाँ तुम बाप के सामने बैठे हो, घर से निकलते ही इस विचार से हो कि हम जाते हैं शिव बाबा के पास, जो ब्रह्मा के रथ में आकर हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। हम स्वर्ग में थे, फिर 84 का चक्र लगाकर अभी नरक में आकर पड़े हैं। और कोई भी सत्संग में किसको बुद्धि में यह बातें नहीं होंगी? है कोई ऐसा सत्संग? घर से निकलो सत्संग के लिए तो बुद्धि में ये चले कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आकर हमें ज्ञान दे रहे हैं। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पास जाते हैं, जो इस रथ में आकर पढ़ाते भी हैं। वो हम आत्माओं को साथ ले जाने आए हैं।
बेहद के बाप से जरूर बेहद का वर्षा मिलना है। यह तो बाप ने समझाया है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। सर्वव्यापक तो पांच विकार हैं, तुम्हारे में भी पांच विकार हैं, इसलिए तुम महान दुखी हुए हो। दुखों का क्या कारण है? पांच विकार। अब ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, यह ओपिनियन जरूर लिखवाना है। तुम बच्चों को तो पक्का निश्चय है कि ईश्वर बाप सर्वव्यापी नहीं है। बाप सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर गुरु भी है, बेहद का सदगति दाता है, वही शांति देने वाला है। और कोई जगह ऐसे ख्याल कोई नहीं करता है कि क्या मिलना है। सिर्फ कनरस रामायण गीता आदि जाकर सुनते हैं, बुद्धि में अर्थ कुछ नहीं। आगे हम परमात्मा सर्वव्यापी कहते थे, अब बाप समझाते हैं यह तो झूठ है। बड़ी ग्लानी की बात है भगवान को सर्वव्यापी कहना, ये भगवान की ग्लानी करना है। तो यह ओपिनियन भी बहुत जरूरी है। आजकल जिनसे तुम ओपिनियन आदि कराते हो, वह लिखते हैं ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम करती हैं, बहुत अच्छी समझानी देती हैं, ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता बताती हैं। इससे लोगों के दिल पर सिर्फ अच्छा असर पड़ता है। बाकी यह ओपिनियन कोई भी नहीं लिख कर देते कि दुनिया भर में जो मनुष्य कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, यह बड़ी भूल है। तो बता रहे हैं कि ये लिखवाना है, खास ये लिखवाना है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। ईश्वर तो बाप टीचर गुरु है, एक तो मुख्य बात है यह। दूसरा फिर ओपिनियन चाहिए कि समझाने से हम समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। भगवान कोई मनुष्य या देवता को नहीं कहा जाता है, भगवान एक है, वह बाप है। उस बाप से ही शांति और सुख का वर्षा मिलता है। ऐसी ऐसी ओपिनियन लेना है। अभी जो तुम ओपिनियन लेते हो वह कोई काम की नहीं लिखते हैं। हाँ इतना लिखते हैं कि यहाँ शिक्षा बहुत अच्छी देते हैं, बाकी मुख्य बात जिसमें ही तुम्हारी विजय होनी है वह लिखा हो कि यह ब्रह्मा कुमारियां सत्य कहती हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। ये लिखवाओ खास। वह तो बाप है, वही गीता का भगवान है। बाप आकर भक्ति मार्ग से छुड़ाए ज्ञान देते हैं। यह भी ओपिनियन जरूरी है। और क्या ओपिनियन लिखवाने हैं? कि पतित पावनी पानी की गंगा नहीं परंतु एक बाप है। ऐसी ऐसी ओपिनियन जब लिखे तब ही तुम्हारी विजय हो। अभी टाइम पड़ा है, अभी तुम्हारी जो सर्विस चलती है इतना खर्चा होता है, जो भी सेवा, क्योंकि साकार मुरली है ना, वह कहते हैं यह तो तुम बच्चे ही एक दो को मदद करते हो, बाहर वालों को तो कुछ पता ही नहीं। तुम ही अपने तन मन धन से खर्चा कर अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो। जो करेगा वह पाएगा, जो नहीं करते वह पाएंगे भी नहीं। कल्प कल्प तुम ही करते हो, तुम ही निश्चय बुद्धि होते हो, तुम समझते हो कि बाप बाप भी है, टीचर भी है, गीता का ज्ञान भी यथार्थ रीति सुनाते हैं।
भक्ति मार्ग में भल गीता सुनते आए, परंतु राज्य थोड़ी प्राप्त किया है। ईश्वरीय मत से बदलकर आसुरी मत हो गई, कैरेक्टर बिगड़ते पतित बन पड़े। कुंभ के मेले पर कितने मनुष्य करुणों की अंदाज में जाते हैं, जहां जहां पानी देखते वहां जाते हैं। होता है ना ऐसे, कुंभ के मेले पर भी जाएंगे, गंगोत्री पर, यमुनोत्री पर, जहां भी नदियां बहती हैं सब जगह जाते हैं। समझते हैं पानी से ही पावन होंगे। अब पानी तो जहां तहां नदियों से आता रहता है, इनसे कोई पावन बन सकता है क्या? क्या पानी में स्नान करने से हम पतित से पावन बन देवता बन जाएंगे? अभी तुम समझते हो कोई भी पावन बन ना सके, यह है भूल। अब बताते तो इन तीन बातों पर ओपिनियन लेना चाहिए। ईश्वर सर्वव्यापी की बात पर पतित पावन कौन है इस बात पर, और गीता का भगवान कौन है, इन तीन बातों पर ओपिनियन लिखवाना है। अभी सिर्फ कहते हैं संस्था अच्छी है, तो बहुतों के अंदर जो भ्रांतियां भरी हुई हैं कि ब्रह्मा कुमारियों में जादू है, भगाती हैं, वह ख्यालात दूर हो जाते हैं, क्योंकि आवाज तो बहुत फैला हुआ है ना। विलायत तक यह आवाज गया था क्या, कि इनको ब्रह्मा बाबा के लिए इतनी ग्लानी हुई कि इनको 16,108 रानियां चाहिए, उनसे 400 मिल गई हैं, क्योंकि उस समय सत्संग में 400 आते थे। बहुतों ने विरोध किया, पिकेटिंग आदि भी करते थे, परंतु बाप के आगे तो कोई की चल ना सके। सब कहते थे यह जादूगर फिर कहाँ से आया, फिर वंडर देखो, बाबा तो कराची में था, आपे ही सारा झुंड आपस में मिलकर भाग आया, है ना। तो हिस्ट्री सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्या क्या बाबा ने उस समय फेस किया। कोई को पता नहीं पड़ा कि हमारे घर से कैसे भागे, यह भी ख्याल नहीं किया इतने सब कहाँ जाकर रहेंगे। फिर फट से बंगला ले लिया, तो जादू की बात हो गई ना। तो ये भी जादू ही है ना एक तरह से, ऐसे भगवान के पीछे आना। अभी भी कहते रहते हैं यह जादूगरनी है। ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे तो फिर लौटेंगे नहीं, यह स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाती हैं, फिर कितने तो आते ही नहीं है, बस सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके आते ही नहीं है। अभी तुम्हारी प्रदर्शनी आदि देखकर वह जो बातें बुद्धि में बैठी हुई हैं वह दूर होती हैं। बाकी बाबा जो ओपिनियन चाहते हैं वह कोई नहीं लिखते, बाबा को वह ओपिनियन चाहिए। यह लिखें कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, सारी दुनिया समझती है श्री कृष्ण भगवानुवाच, परंतु कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, शिव बाबा है पुनर्जन्म रहित। तो इसमें बहुतों की ओपिनियन चाहिए। गीता सुनने वाले तो ढेर के ढेर हैं, फिर देखेंगे यह तो अखबार में भी निकल पड़ा है। गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है, वही बाप, टीचर, सर्व का सदगति दाता है। शांति और सुख का वर्षा सिर्फ उनसे मिलता है। बाकी अभी तुम मेहनत करते हो, उद्घाटन कराते हो, सिर्फ मनुष्यों की भ्रांतियां दूर होती हैं। इन सब चीजों से केवल भ्रांतियां दूर होती हैं। जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो जरूर उनको समझाना भी है और उनसे लिखवाना भी है।
समझानी अच्छी मिलती है। बाकी बाबा जैसे कहते हैं वह ओपिनियन लिखें। मुख्य ओपिनियन है यह, बाकी सिर्फ राय देते हैं। यह संस्था बहुत अच्छी है, इससे क्या होगा, हाँ आगे चल, जब विनाश और स्थापना नज़दीक होगी तो तुमको यह ओपिनियन भी मिलेंगे, समझ कर लिखेंगे। अभी तुम्हारे पास आने तो लगे हैं ना, अभी तुमको ज्ञान मिला है। एक बाप के बच्चे हम सब भाई भाई हैं। यह किसी को भी समझाना तो बहुत सहज है, ये बात तो बहुत इजी है ना, हम सब भाई भाई हैं। सब आत्माओं का बाप एक सुप्रीम बाबा है, उनसे ज़रूर सुप्रीम बेहद का पद भी मिलना चाहिए। सो 5000 वर्ष पहले तुमको मिला था। वो लोग कलयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, तुम क्या कहते हो? तुम 5000 वर्ष कहते हो, कितना फर्क है? बाप समझाते हैं 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। यह एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, इनके राज्य में विश्व में शांति थी। यह राजधानी हम फिर स्थापन कर रहे हैं। सारे विश्व में सुख शांति थी, कोई दुख का नाम नहीं था। अभी तो अपार दुख है, हम यह सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं अपने ही तन मन धन से, गुप्त रीति। बाप भी गुप्त है, नॉलेज भी गुप्त है, तुम्हारा पुरुषार्थ भी गुप्त है। इसलिए बाबा गीत कविताएं आदि भी पसंद नहीं करते हैं, वह है भक्ति मार्ग। यहां तो क्या करना है, चुप रहना है, शांति से चलते फिरते बाप को याद करना है। और क्या करना है, सृष्टि चक्र बुद्धि में फिराना है। बिल्कुल शांति से किसी भी जगह चले जाओ और चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करो, सारा चक्र बुद्धि में घुमाओ। अभी हमारा यह अंतिम जन्म है पुरानी दुनिया में, फिर हम नई दुनिया में पहला जन्म लेंगे। आत्मा पवित्र जरूर चाहिए, अभी तो सब आत्माएं पतित हैं। तुम आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप से योग लगाते हो। बाप खुद कहते हैं, बच्चे देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो, बाप नई दुनिया तैयार कर रहे हैं, उनको याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए, है ना? अरे बाप जो तुमको विश्व की बादशाही देते हैं, ऐसे बाप को तुम भूल कैसे जाते हो? वह कहते हैं, बच्चे यह अंतिम जन्म सिर्फ पवित्र बनो। अब इस मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है, यह विनाश भी हो बहु 5000 वर्ष पहले ऐसे ही हुआ था। यह तो स्मृति में आता है ना, आता है स्मृति में। अपना राज्य था तो दूसरा कोई धर्म नहीं था। बाबा के पास कोई भी आता है तो उससे पूछता हूँ, क्या पूछते हैं बाबा, आगे कब मिले हो? कोई तो जो समझे हुए हैं वह झट कह देते हैं 5000 वर्ष पहले, कोई नए आते हैं तो मूंछ पड़ते हैं। बाबा समझ जाते हैं कि ब्राह्मणी ने समझाया नहीं है ना। साकार बाबा के टाइम पर जब बहने लेकर आती थी बहुत सारे बाबा के बच्चों को, मैंने पहले से समझा देती थी कि बाबा ये पूछेंगे तो ऐसे जवाब देना,
तो कोई जवाब नहीं दे पाता तो बाबा कहते इसका मतलब ब्राह्मणी ने ढंग से समझाया नहीं है। फिर कहता हूँ सोचो तो स्मृति आती है, यह बात और तो कोई भी पूछ ना सके, पूछने का अक्ल आएगा ही नहीं, वह क्या जाने इन बातों से। आगे चलकर तुम्हारे पास बहुत आकर सुनेंगे जो इस कुल के होंगे। दुनिया बदलनी तो जरूर है, चक्र का राज तो समझा दिया है, अब नई दुनिया में जाना है। इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। बाप नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि उसमें चली जाती है, पुराने मकान में फिर ममत्व नहीं रहता है। ऐसे ही होता है ना, नया मकान बनता है तो पुराने से अपने आप ही दिल हटने लगते हैं। यह फिर है बेहद की बात। तो जब हमारा बाबा नई दुनिया बना रहे हैं तो अपने आप बुद्धि पुरानी से हट जानी चाहिए ना। बाप नई दुनिया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, इसलिए अब इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो, इन आँखों से देखो पर फिर भी बुद्धि से नहीं देखो, याद नहीं करो, ख्याल नहीं करो, परेशान नहीं हो इसको देखते हुए। ममत्व कहाँ रहे, नई दुनिया में रहे, इस पुरानी दुनिया से वैराग्य। वह तो हठ योग से हद का संन्यास कर जंगल में जाकर बैठते हैं। बाबा के टाइम फिर भी जंगल में जाकर बैठते थे, अब तो नहीं बैठते हैं। तुम्हारा तो है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। इसमें तो इसमें क्या है, इसमें तो अथाह दुख है। इस पुरानी दुनिया में कितना दुख है, नई सतयुगी दुनिया में अपार सुख है। तो जरूर उनको याद करेंगे, जहां सुख है उसको याद करेंगे ना। यहाँ सब दुख देने वाले हैं, माँ बाप आदि सब विकारों में फंसा देंगे। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उनको जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। यह राजयोग बाप सिखलाते हैं, जिससे हम यह पद पाते हैं। बोलो हमको स्वप्न में भगवान कहते हैं पावन बनो तो स्वर्ग की राजाई मिलेगी। तो अब मैं इस एक जन्म अपवित्र बन अपनी राजाई गवाऊंगी थोड़े ही। तरीका बता रहे हैं बाबा माताओं को, कैसे बोलो, क्या बोलो कि मुझे भगवान स्वप्न में कहते हैं कि पवित्र बनो तो राजाई मिलेगी। तो अब मैं एक जन्म अपवित्र बन अपनी राजाई गवाऊंगी थोड़े ही। इस पवित्रता की बात पर ही झगड़ा चलता है। द्रौपदी ने भी पुकारा है यह दुशासन हमको नंगन करते हैं। ये जो शास्त्रों में कहानियां बताई हैं इस समय की बातें हैं, यह भी खेल दिखाते हैं कि द्रौपदी को श्री कृष्ण 21 साड़ियां देते हैं। ये नाटक बैठकर बनाया है, लिखा है उसमें महाभारत में कथा में। बाबा कहते वास्तव में ये कथाएं बैठ बनाई हुई गई हैं, प्रैक्टिकल में इसका भावार्थ अलग है कि बाबा कैसे हमें 21 जन्म विश्व की बादशाही देते हैं, 21 जन्म तक हमें संपूर्ण पवित्र बनाते हैं। तो ये खेल दिखाते हैं। अब बाप बैठ समझाते हैं कितनी दुर्गति हो गई है, अपार दुख है ना। सतयुग में क्या था, अपार सुख था। अब मैं आया हूं अनेक अधर्म का विनाश और एक सत धर्म की स्थापना करने। तुमको राज्य भाग्य देकर वानप्रस्थ में चले जाएंगे, आधा कल्प फिर मेरी दरकार ही नहीं पड़ेगी। बाबा परम धाम चले जाएंगे, फिर आधा कल्प तक बाबा की कोई जरूरत नहीं, ना हम बुलाएंगे, तुम कभी याद भी नहीं करेंगे। है ना, कैसे हो जाते हैं हम,
याद भी नहीं करते अपने बाबा को, तो बाबा समझाते हैं तुम्हारे लिए जो सबके मन में उल्टा वाइब्रेशन है, ब्रह्मा कुमारियों के लिए जो उल्टा वाइब्रेशन है वह निकल कर ठीक हो रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे सेवाएं बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो भ्रांतियाँ हैं वो ख़त्म होती जाती हैं। बाकी मुख्य बात है ओपिनियन लिखो, क्या लिखा लो, क्या लिखाना है ओपिनियन, जो आज बाबा बार बार उसी बात पर जोर दे रहे हैं। मुख्य बात है ओपिनियन लिखा लो, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, उसने तो आकर राजयोग सिखाया है। पतित पावन भी बाप है, पानी की नदियां थोड़ी पावन बना सकेंगी, पानी तो सब जगह होता है। अब बेहद का बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, वह फिर कह देते आत्मा निर्लेप है। जब एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तो संस्कार तो ले जाएगी ना, निर्लेप कैसे हुई। आत्मा सो परमात्मा, यह है भक्ति मार्ग की बातें। बच्चे कहते हैं बाबा याद कैसे करें, अरे अपने को आत्मा तो समझते हो ना, आत्मा कितनी छोटी बिंदी है तो उनका बाप भी इतना छोटा होगा। बिल्कुल है ना, जब आत्मा छोटी है तो उसका पिता भी तो छोटा ही होगा ना। वह पुनर्जन्म में नहीं आता है, यह बुद्धि में ज्ञान है। बाप याद क्यों नहीं आएगा, चलते फिरते बाप को याद करो। अच्छा बड़ा रूप ही समझो बाप का, परंतु याद तो एक को करो। बाबा कहते भले शिवलिंग दिखाते हैं ना, कहते बड़े रूप को ही याद करो ना, परंतु याद तो एक को करो ना, तो तुम्हारे पाप कट जाएं। और तो कोई उपाय है नहीं। जो समझते हैं वह कहते हैं बाबा आपकी याद से हम पावन बन, पावन दुनिया, विश्व के मालिक बनते हैं, तो हम क्यों नहीं याद करेंगे। एक दो को भी याद दिलाना है तो पाप कट जाए। अच्छा मीठे मीठे सर्व से एब ला गया का बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद दार। गुड मॉर्निंग रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला जिसे बाप और नॉलेज गुप्त है ऐसे पुरुषार्थ भी गुप्त करना है। गीत कविताओं आदि के बजाय चुप रहना अच्छा है, शांति में चलते फिरते बाप को याद करना है। दूसरा पुरानी दुनिया बदल रही है इसलिए इससे ममत्व निकाल देना है, इसे देखते हुए भी नहीं देखना है, बुद्धि नई दुनिया में लगानी है। वरदान है ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। सहज पुरुषार्थी कैसे बनेंगे, जब ब्राह्मण जीवन की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाएंगे। ब्राह्मण जन्म भी विशेष, ब्राह्मण धर्म और कर्म भी विशेष, जन्म भी विशेष, धर्म भी विशेष, कर्म भी विशेष, अर्थात सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि ब्राह्मण कर्म में फॉलो किसको करते हैं, साकार ब्रह्मा बाप को करते हैं, तो ब्राह्मणों की नेचर ही विशेष नेचर है। साधारण व मायावी नेचर ब्राह्मणों की नेचर नहीं, सिर्फ यही स्मृति स्वरूप में रहे कि मैं विशेष आत्मा हूं, यह नेचर
जब नेचुरल हो जाएगी, ये विशेषता जो है नेचुरल हो जाएगी, तब बाप समान बनना सहज अनुभव करेंगे। स्मृति स्वरूप सुसमर्थी स्वरूप बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। कितना इजी है, फॉलो करना है बस ब्रह्मा बाबा को। तो स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाले ही लाइट हाउस है, है ना? लाइट हाउस हम सभी, क्योंकि हम सब पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाते हैं। अभी सुनते हैं आज का विशेष अव्यक्त इशारा। जो भरपूर होता है वह सदा ही इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहता है और मन से मुस्कुराता है। वो सर्व प्राप्ति संपन्न होता है, इसलिए उसके मन का लगाव व झुकाव किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ नहीं होता। इसको ही मनमना भव कहते हैं। उन्हें मन को बाप की तरफ लगाने में मेहनत नहीं होती, लेकिन सहज ही मन बाप की मोहब्बत के संसार में रहता है। इसीलिए भरपूर बनो, बाबा से सर्व शक्तियां सर्व गुण धारण करके पूर्ण रीति इच्छा मात्रम अविद्या बन जाओ। अच्छा, ओम शांति। मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार। परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो, हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सद गति उपहार, महिमा अपरंपार, तेरी
महिमा परम्परा मेरे परम पिता परमात्मा सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर जीवन नैया सबकी करते जीवन नैया सबकी करते भव सागर के पार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार मेरे परम पिता परमात्मा जगत के सार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार मेरे परम पिता परमात्मा